तो कैसे हो भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज का हमारा वीडियो गूगल पे से रिलेटेड होने वाला है। मतलब गूगल पे में अगर आप अपना अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो आप इजीली सिंपल मेथड से अपना अकाउंट जो है ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास पुराना अकाउंट है उसे आप हटाना चाहते हैं, नया अकाउंट डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कैसे गूगल पे में अपना न्यू अकाउंट ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करना है आपको, देखिए अपना गूगल पे जो ऐप है उसे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो आपको पहले अपना पिन डाल के लॉगिन कर लेना है इसमें। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना पिन डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए हम आ गए हैं गूगल पे के होम पेज पे, जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो यहाँ पे मैं अपना दूसरा अकाउंट यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाऊंगा। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर मान लीजिए आपके पास नया अकाउंट है, अगर उसका डेबिट कार्ड नहीं है आपके पास और कभी भी आप अपना अकाउंट ऐड नहीं किए हैं किसी भी गूगल पे में या UPI पेमेंट्स में, तो आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी कन्फर्मेशन के लिए कि वो आप ही का अकाउंट है और उसका वेरीफाई करते हैं डेबिट कार्ड के ज़रिए। तो इस बात का ख्याल रखें आप। राइट साइड के टॉप कॉर्नर में आपको देखिए यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आइकॉन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक करना है। आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा नेम दिखाएगा और यहाँ पे देखिए जो मेरा अकाउंट है अभी यहाँ पे देखिए एक्शन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट डीएक्टिव हो गया है इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सेटिंग्स में भी जाके कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए एक्शन रिक्वायर्ड के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं सेटिंग्स ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। तो नीचे देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पे पेमेंट्स मेथड मिलेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, पेमेंट मेथड्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जितने भी पेमेंट मेथड रहेंगे आपके गूगल पे में, डेबिट कार्ड या और भी क्रेडिट कार्ड भी ऐड होता है आजकल, मुझे पता नहीं इसमें होता है कि नहीं, इसमें भी होता है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा DBS का जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे ऐड है, आप देखिए मुझे यहाँ पे इनएक्टिव है और यहाँ पे देखिए न्यू अकाउंट है मेरा ऐड करना है यहाँ पे, मैं इसे न्यू अकाउंट को ऐड करके फिर मैं इसे डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पहले यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करना है, कौन सा बैंक है, मेरे केस में यहाँ पे देखिए कोटक महिंद्रा बैंक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए आपसे परमिशन पूछेगा मैसेज या मतलब कोई भी मैनेज करने के लिए, तो आप इसे अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक सिम सेलेक्ट करना है, मतलब जिस भी सिम से आपका जो अकाउंट है मतलब उस सिम को आपको सेलेक्ट करना है। ऊपर नंबर दिखाएगा, तो मेरे केस में यहाँ पे एयरटेल है तो मैं एयरटेल क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे पूरा वेरीफाई होगा मेरा अकाउंट, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं मैसेज जाएगा और यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली फाइंडिंग बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को। तो उसके बाद देखिए आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर मान लीजिए आपका नया अकाउंट है कभी भी ऐड नहीं किए हैं तो आपसे डेबिट कार्ड का डिटेल्स पूछेगा ऐड करने के लिए, UPI पिन बनाने के लिए। तो मेरे केस में मेरा ये अकाउंट पहले से ही मतलब UPI भीम UPI में रजिस्टर था, इसके लिए मेरे को यहाँ पे कुछ पूछेगा नहीं, डायरेक्टली मेरा अकाउंट देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो मेरा DBS का जो अकाउंट है वो इनएक्टिव है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद देखिए मैं इसे डिलीट करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए मैं डिलीट इसे बाद में कर लूँगा। तो आपको कुछ इस तरीके से जो अपना गूगल पे अकाउंट का मतलब अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल और इजी मेथड है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है कोई गूगल पे से रिलेटेड या यूट्यूब टिप से रिलेटेड, और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा अगर मुझे पता रहेगा तो। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।